जब जब इस शरीर में रोग प्रकट हो तब तब अपने रोग को योग में परिवर्तित कर देने वाले लोग महान होते हैं। रोगों को योग में बदलने की कला हमें गुरु सिखाते हैं, अनुभवी जन सिखाते हैं, जिन्होंने इस शरीर विज्ञान को अपने भीतर के अनुभव से जाना, वे जन बताते हैं कि किस भांति हम अपने प्रत्येक रोग के साथ ध्यान में उतर सकते हैं, उस रोग की जड़ तक जा सकते हैं। प्राचीन काल में अनेकानेक ऐसे ऋषि मुनि महर्षि हुए जिन्होंने अपने इस शरीर के प्रत्येक अवयव को सुनना सीखा और प्रत्येक अंग को वे सुनते गए। बड़ी हैरानी हुई उन्हें कि हर एक अंग प्रत्यंग हमसे बात करता है। हमें अपने बीमार होने के कारण बताता है, क्योंकि वह भी बीमार होना नहीं चाहता। वह बताता है कि हमने कहाँ अपने मनोभावों को, मनोवेगों को रोका है, आक्रामक हुए हैं, असंतुलित हुए हैं, कहाँ हमारी सोच में कोई मोच आई है जिस वजह से यह रोग हमने पैदा कर लिया है। और हकीकत यह है कि रोगों को हम पैदा करते हैं, अन्यथा रोग इस तन मन का स्वभाव नहीं है। इस तन मन का स्वभाव तो स्वस्थ, हल्का फुल्का, प्रसन्न रहना है। लेकिन अगर ये तन मन स्वस्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं है, हल्के फुल्के नहीं है, वैद्यमय नहीं है, तो ध्यान देना होगा कि हम कहाँ अवैध में शरीक हो रहे हैं, कहाँ शोरगुल में शरीक हो रहे हैं, सहरमण कर रहे हैं, कहाँ हमने अपने आप के भावों को विकृत बना डाला है, किसी न किसी तरह के विकार से ग्रस्त बना दिया है। अपने भावों की विकृत दशा को पहचानने की क्षमता हर एक इंसान में है। कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे भाव कहाँ बिगड़े या क्यों बिगड़े या कैसे बिगड़े या बिगड़े भी या नहीं बिगड़े, अथवा कोई ये ना प्रमाणित करने की कोशिश करे कि मेरे भाव तो सदा सच्चे ही रहते हैं, अच्छे ही रहते हैं, मैं तो कभी कुछ गलत भावना बहाता ही नहीं हूँ। अगर हम अपने आप को इस भांति अच्छा साबित करने की कोशिश में लगे हैं तो हम सत्य से दूर छिटक गए हैं। अब हमारी दृष्टि सत्यान्वेषी नहीं बनेगी, और जब तक सत्यान्वेषी सत्य की शोधी दृष्टि नहीं होती तब तक हम अपने आप के स्वरूप से, स्वभाव से दूर ही रहेंगे और सदा ही अपने तन मन का बोझा ढोते रहेंगे, गम खुशी की ग्रंथियां बनाते रहेंगे, मान माया के चक्कर में झूलते रहेंगे। हम अपने आप के साथ ना इंसाफी ना करें, हम खुद को जाने, सत्यान्वेषी दृष्टि विकसित करें, पता लगेगा कि कहाँ हमारे भावों में विकृति आई है। कई बार हम जरूरत से ज़्यादा बोझा इकट्ठा कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये बोझा इकट्ठा करना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के नाम पर लोगों को तनाव इकट्ठा करने की आदत हो जाती है। जिम्मेदारी तनाव इकट्ठा करने की नहीं है, जिम्मेदारी है प्रत्यक्ष पल को सावधानता से और समग्रता से जीने की। हाँ, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि वर्तमान में जो पल हमारे समक्ष है, जो घटना, जो हालात, जो परिस्थिति हमारे समक्ष है, हम उसको पूर्ण सावधानता और पूर्ण समग्रता से जिए। बस यही एकमात्र ऐसा कर्तव्य है जो हम में से हर एक व्यक्ति के लिए करणीय है। लेकिन जैसे ही हम बहुत आगे की सोच करके अपने आप के वर्तमान पल का अनादर करते हैं, यहाँ हम अति कर्तव्य में चले गए, अकरणीय में चले गए, अनावश्यक में चले गए, आरंभ करने लग गए और अब हम सावध्य हो गए, शोरगुल में शरीक हो गए।
इसीलिए भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान को खराब करती है और शरीर के पूरे तंत्र को अस्त व्यस्त बना डालती है। ठीक ऐसे ही अगर हम अपने अतीत के बोझे को लेकर बैठे हैं, भूत की लाशों के ढेर को अपने मनोमस्तिष्क में दबाए बैठे हैं, अपने अतीत के तनाव को विसर्जित करने के लिए तत्पर नहीं है, तब भी हम अपने शरीर में अनेकानेक रोगों को सतत उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए इस अतीत को भी अपर्णम वो सिरामी कर दो, विसर्जित होने का आदेश दो, भुला दो, बारंबार खुद को कहो, तब तक कहो जब तक कि अतीत के प्रभावों से निष्प्रभ ना हो जाओ। कहते जाओ, जो कुछ हुआ उसको क्षमा करता हूँ, अपने आप के समेत पूरी सृष्टि को, समस्त भूत को क्षमा करता हूँ और भुलाता हूँ, सबका मंगल हो। ये सब कुछ को कह करके अपने अतीत को शांत करो, जो मर गया उसे शांति से मर जाने दो, जो छूट गया उसे छूट जाने दो, जो चला गया उसे चले जाने दो, पकड़ के रखने की कोशिश मत करो। पकड़ के रखने की कोशिश में जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आता, लेकिन हम अपने आप को खो देते हैं, अपने चित्त की शांति को समाप्त कर देते हैं। इसे बचाओ, ये चित्त की शांति आदरणीय है, ये चित्त की शांति हमारी आराधनीय है। हमारा चित्त अगर बेचैन है, अशांत है, हम खुद के हिंसक है, खुद के ही खुद हत्यारे बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा ना हो, बस वर्तमान क्षण को सावधानता और समग्रता से जीना हमारे जीवन की साधना हो। अतीत और भविष्य के बोझों से मुक्त बन करके अपने आप के योग को साधो। वर्तमान में जीना योगी होना है और भूत भविष्य में जीना रोगी होना है। रोगी ना रहो, योगी हो जाओ, तो ही ये संपूर्ण जीवन पूरे अस्तित्व के लिए सहयोगी होगा, सुरम्य होगा, वद्यमय होगा, संगीतमय होगा, और हम सबको परस्पर एक दूसरे का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, जीवन प्रेरणाओं से भरपूर हो पाएगा। ऐसा सुंदर जीवन ही जीने योग्य है। बाकी तो जो भूत भविष्य का बोझा ढोकर जीते हैं, जो प्रतिदिन रोगों को उत्पन्न करते हैं और अन्य अन्य लोगों की सोच को अपने दिमाग में इकट्ठा करके खुद को परेशान करते रहते हैं, ऐसे लोग इस पूरे अस्तित्व के भी सुंदर वातावरण में प्रदूषण पैदा करते हैं, आरंभ पैदा करते हैं, शोरगुल लाते हैं। वे लोग सहयोगी नहीं होते बल्कि आक्रामक हो जाते हैं। हमें अपने आप को जानना, टकोरना और टटोलना होगा। खुद को जानो, खुद को जगाओ और हर क्षण के योगी बनो। क्षण के साथ संपूर्णता से जीना योगी होना है। क्षण को चूक जाना रोगी और भोगी होना है। जय हो, जय हो, जय हो। आज अपने आप को संकल्पित करो, सावधानता और समग्रता से क्षण में जीने का अभ्यास करूंगा। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। जय विराट, शांति गुरुवे नमः।